हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 बिजनेस स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर कर रहे हैं अपना व्यावसायिक अध्ययन, जो कि है व्यावसायिक वातावरण का। व्यावसायिक वातावरण की एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, जिसमें हमने इसके मीनिंग, इसकी इम्पोर्टेंस, व्यावसायिक वातावरण होता क्या है, ये सब सीखा। और अब हम सीखेंगे व्यावसायिक वातावरण के अंग क्या क्या है, कॉम्पोनेंट क्या क्या है। तो अगर हम बात करते हैं वातावरण की, तो बेटा वो दो टाइप से हमने डिफाइन किए हैं बिजनेस के एनवायरमेंट, जो कि है हमारे आंतरिक और बाहरी वातावरण। यहाँ पर एक बात आपको समझने वाली बात ये है कि वातावरण का मतलब है ऐसे तत्व जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, जो बिजनेस के ऑपरेशंस को प्रभावित करते हैं, उनके काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं, उन सभी तत्वों को हम बोलते हैं वातावरण। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होते आंतरिक वातावरण, एक होते बाहरी वातावरण। वो वातावरण जो बिजनेस के अंदर के हैं उनको हम आंतरिक बोलते हैं, और जो बिजनेस के बाहर के हैं हम उनको बाहरी वातावरण बोलते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट और इंटरनल एनवायरमेंट। आंतरिक वातावरण की अगर हम बात करें, तो आंतरिक वातावरण में आपको देखने को मिलेगा उद्देश्य, नीतियां, संगठनात्मक ढांचा, प्रबंध सूचना प्रणाली, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन क्षमता। इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये आपका टॉपिक नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं बाहरी वातावरण को, तो उन्होंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है आपका सूक्ष्म वातावरण और दूसरा है आपका समष्टि वातावरण। तो अगर हम सूक्ष्म वातावरण की बात करें, एक ऐसे वातावरण जो बिजनेस के बाहर है, वो है आपका पहला पॉइंट ग्राहक, कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर हो गए, पब्लिक हो गया, और कुछ मध्यस्थ हो गए आपके, इंटरमीडिएट्स हो गए आपके। तो बेटा ये पॉइंट भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये नहीं पढ़ना, ठीक है, ध्यान रखो। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे इन्होंने दे तो रखा है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना बेटा ये। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो है बेटा आपका समष्टि वातावरण, जो कि बड़े लेवल पे है, वो हमने पांच पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और यही आपका मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें आर्थिक वातावरण बिजनेस को इफेक्ट करेगा, सामाजिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, राजनीतिक वातावरण और वैधानिक वातावरण। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको ये आंतरिक वातावरण के बारे में नहीं बताने वाला, क्योंकि जो टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही नहीं है, आप उसमें अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे। ठीक है, मैं ये भी पॉइंट आपको नहीं बताने वाला, ये सीरियसली ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। हम डायरेक्ट चलेंगे आपके मैक्रो के ऊपर, आर्थिक वातावरण, सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक और वैधानिक। ये जो पॉइंट है बेटा, मैं आपको समझा देता हूं पहले। जैसे कि हमने पहले ही सीखा है कि वातावरण से हमारा मतलब है ऐसे तत्व जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जो बिजनेस के काम को परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक वातावरण का। पहले सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा कि लिखा क्या है, देन उसके बाद हम इसको सीखेंगे आगे। आर्थिक वातावरण एक देश में विद्यमान आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियों व आर्थिक दशाओं से बनता है। आर्थिक वातावरण के तीनों घटक व्यवसाय को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। ये व्यवसाय के लिए खतरे भी पैदा करते हैं और अवसर भी। मैंने वातावरण को लेकर लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था कि वातावरण जो होता है, जो एनवायरमेंट होता है जिससे बिजनेस घिरा हुआ है चारों तरफ से, वो दो चीजें लेकर आता है। वो बिजनेस के लिए एक खतरा भी पैदा करता है और दूसरा उसके लिए एक अवसर भी लेकर आता है। अब जो बिजनेस कंटिन्यूसली एनवायरमेंट के ऊपर अपनी नजर बनाए रखता है, तो वो उसको एज ए अवसर देखेगा, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेगा। लेकिन अगर कोई बिजनेस उसको इग्नोर कर देता है, वातावरण को, एनवायरमेंट को, चाहे वो आपका आर्थिक वातावरण हो, सामाजिक हो, तकनीकी हो, राजनीतिक हो या वैधानिक हो, अगर वो उसको इग्नोर कर देता है, तो वो उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। एग्जाम्पल छोटा सा दूंगा मैं, जैसे मैगी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या पेप्सी का एग्जाम्पल लेते हैं। पेप्सी बहुत अच्छा है एग्जाम्पल। पेप्सी के लिए हमेशा बोला जाता है कि ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अब जब ये सारी चीज और उसके बाद भी बिकती है,
ये आप सभी ने नोटिस किया है। इवन आप भी पीते हो जब पिज्जा खाते हो, राइट। तो एक ऐसी चीज जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, फिर भी आप उसको पीते हो, और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो 100% गलत नहीं भी है। मतलब अगर आप कहोगे कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डेंजर होती तो गवर्नमेंट उसको अपने आप ही बंद कर देती। यहां पर गवर्नमेंट अपनी इनकम, अपने टैक्सेशन को नहीं देखेगी, अपने रेवेन्यू को नहीं देखेगी, वो लोगों की, अपनी पब्लिक की हेल्थ को देखेगी। और अगर वो रियलिटी में अगर इतनी डेंजर होती तो शायद वो बंद हो चुकी होती इंडिया में, लेकिन फिर भी बिकती है। तो इट मीन्स 100% गलत नहीं है, बट फिर भी टाइम टाइम पे कुछ लोग कुछ ज्यादा ही जागरूक हो जाते हैं और पेप्सी को, कोला और बाकी जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उन सभी को वो मना करते हैं पीने से। तो अगर कोई बिजनेस इन सब चीजों पे ध्यान देगा तो वो अपनी एक्टिविटी को चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल कि अगर पेप्सी कंपनी को ये पता चल जाए कि इंडिया के अंदर उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या पब्लिक प्रेस के थ्रू अपनी सफाई दे, अपनी ड्रिंक के बारे में कुछ अच्छी बातें बताएं, या वो ये भी बता सकता है कि जो न्यूज आपको दिखाई जा रही है हमारे प्रोडक्ट को लेकर वो पूरी गलत है। तो ये सब तभी हो सकता है, ये कंपनी ऐसे स्टेप्स तभी ले सकती है जब वो एनवायरमेंट के ऊपर अपना ध्यान रखे। तो ये पॉइंट था कि जहां मुझे ये क्लियर करना था आपको कि वातावरण बिजनेस के लिए खतरा भी उत्पन्न करता है या खतरे से बचने के लिए अवसर भी देता है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है अतः व्यवसायियों के लिए जरूरी है कि आर्थिक वातावरण की विभिन्न शक्तियों पर समय रहते नजर रखे, जो अभी मैंने आपको बताया, ताकि संभावित खतरों से बचा जा सके और अवसरों का लाभ उठाया जा सके। अब अवसरों का लाभ कैसे उठाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में बहुत तरीके के त्योहार होते हैं। अगर कोई बिजनेस, अगर कोई संगठन इस चीज को सीरियसली लेता है, हमारे सामाजिक वातावरण को अगर ध्यान से पॉइंट आउट करके उसे कुछ सीखता है, तो हो सकता है कि वो अपने प्रोडक्ट को इस तरह से फॉर्मेशन कर ले कि वो उसे ज्यादा बेनिफिट कमा सके। जैसे ड्राई फ्रूट्स आपको पता है नॉर्मली बिकते रहते हैं आपके किराने की दुकान पे, लेकिन डेली यूज में बहुत जो लो लेवल के जो लोग हैं या मिडिल क्लास भी कह लो, लोअर मिडिल क्लास, वो इतना यूज नहीं करते। लेकिन जब दिवाली का टाइम आ जाता है, जब त्योहारों का टाइम आता है, तो स्पेशली ऐसी कंपनियां क्या करती है, उसका गिफ्ट रैप करके उसको कम कीमत में बेचने की कोशिश करती है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि त्योहार है तो मोस्टली लोग खरीदने की कोशिश करते हैं और कंपनी अपना बेनिफिट उठाने की पूरी यहाँ पे कोशिश में लगी रहती है। आर्थिक वातावरण की अगर हम बात करें तो इसके मुख्य घटक क्या है, आर्थिक प्रणाली जैसे समाजवादी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी, मिश्रित आर्थिक। समाजवादी का आपको पता है, इसमें हम लोगों को ज्यादा मोटिवेशन, लोगों को ज्यादा हम नोटिस करते हैं, और पूंजीवादी में हम मशीन्स को ज्यादा मोटिव रखते हैं हमारा कि मशीन्स में ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए, और मिश्रित आर्थिक प्रणाली में हम लोग प्लस मशीन दोनों में ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आर्थिक नीतियां जैसे आयात निर्यात की नीति, टैक्सेशन हो गया, औद्योगिक नीति हो गई, आर्थिक दशाएं जैसे राष्ट्रीय आय, सामान्य मूल्य स्तर, ब्याज दर, तो ये कुछ हमारे घटक है जिनको मिलाकर आप आर्थिक वातावरण को बनाते हैं। अब लिखा क्या है कि आर्थिक वातावरण के प्रभाव क्या है, बैंक ब्याज दर में भारी कमी से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है और तथा इसके विपरीत भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अगर ब्याज दर में कमी हो जाए बैंक के द्वारा, तो कस्टमर्स की बायर जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा मांग होगी वस्तुओं की, और जो बिजनेस आर्थिक वातावरण पे ध्यान देंगे वो इस चीज का बेनिफिट ले पाएंगे। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है लोगों की आय में वृद्धि से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, ऊपर वाली ही लाइन बोली हुई है। उच्च मुद्रास्फीति दर से व्यवसाय की लागतों में वृद्धि होती है, अगर इन्फ्लेशन रेट अगर आपका हाई हो गया तो ऐसे में व्यवसाय करने के लिए जो भी खर्चा होता है वो पहले से ज्यादा होगा। जैसे अगर 2020 में इन्फ्लेशन रेट अगर ज्यादा है
तो 2019 में जो भी खर्चा हुआ था उससे ज्यादा खर्च व्यवसाय को अब करना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों से सिर्फ वही बिजनेस बच सकता है जो आर्थिक वातावरण का गहन अध्ययन करे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण, जैसे मैंने आपको बताया है, सामाजिक वातावरण में आपकी जो परंपराएं हैं, आपके जो त्योहार है, वो सबसे ज्यादा मेन होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, सामाजिक वातावरण अनेक सामाजिक शक्तियों जैसे परंपराएं, मूल्य, सामाजिक प्रवृत्तियां, फैशन, इच्छाएं, आकांक्षाएं, शिक्षा का स्तर आदि का समूह होता है। ये सभी शक्तियां व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, अतः व्यवसाय सामाजिक वातावरण की शक्तियों को अनदेखा नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं सामाजिक वातावरण किनसे मिलकर बनता है, तो आप इन सभी का नाम लोगे। आप जरा यहाँ बॉक्स में क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। इसका अभिप्राय उस समाज की सभी विशेषताओं के समूह से है जिसमें संगठन स्थापित है। तो बेटा, अगर कोई संगठन किसी बिजनेस में कोई संगठन किसी समाज में रहकर अगर अपने बिजनेस को कर रहा है, तो ऐसे में समाज में क्या आकांक्षाएं हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या शिक्षा का स्तर चल रहा है वहां पे, इवन मैं तो यही कहूंगा कि इनकम का स्तर भी क्या चल रहा है, उनके त्योहार क्या है, उनकी परंपराएं क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, उन सभी का ध्यान अगर वो रखेगा तो बिजनेस सामाजिक वातावरण से होने वाले हानि से बच पाएगा, और इवन अगर उसको कोई अवसर प्रदान होगा तो वो उसका बेनिफिट भी ले पाएगा। अब लिखा क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इनकी तो मैं बात नहीं करूंगा, ये अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो वही सेम चीजें नीचे लिखी हुई है घटक। बात पढ़ेंगे अब हम सामाजिक वातावरण का व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर जो हम बात कर रहे हैं परंपराओं की, वैल्यूज की, सोशल ट्रेंड्स की, इच्छाओं की, फैशन की, उनकी होप्स की, आकांक्षाओं की, या शिक्षा के स्तर की, तो उसका व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक वातावरण के व्यवसाय पर प्रभाव के मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। भारत में मनाए जाने वाले अनेक त्योहार विभिन्न व्यवसायों के लिए अवसर प्रदान करते हैं, वो ऐसी कंडीशन में ज्यादा सेल कर सकते हैं। कैडबरी चॉकलेट वॉकलेट्स हो गए, उनके बॉक्सेस आने लग जाते हैं, आपने देखा होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मूल्य है जो बाजार में चयन की स्वतंत्रता पैदा करती है। अगर कोई व्यवसाय ये मान लेता है कि भैया इस कंट्री के अंदर जो पब्लिक है, जो उनके बायर है, वो फ्री है अपने चॉइस को लेने के लिए, तो ऐसे में वो ज्यादा मेहनत करते हैं अपने प्रोडक्ट को बाकी उनके जो कॉम्पिटिटर है उनसे अच्छा बनाने में। लेकिन अगर दूसरी साइड अगर उनको लगता है कि भाई मैं एक ऐसी कंट्री में हूँ कि जहां से मैंने गवर्नमेंट के साथ बात कर ली, अब सिर्फ और सिर्फ मैं ही बेचूंगा और कोई नहीं बेचेगा, तो ऐसे में हो सकता है कि वो समाज के ऊपर ध्यान ना दे। तो ये बहुत मैटर करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। एक मूल्य है जो व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व पैदा करता है। सामाजिक न्याय का मेरा मतलब यहाँ से ये है कि व्यवसाय को ये समझना चाहिए कि क्योंकि वो समाज के बीच में काम कर रहा है, तो वो सोशल जो जस्टिस है वो उनको दे, समाज के प्रति जो उसकी लायबिलिटी है, जो उसका कर्तव्य है, वो उसको पूरा करे। कर्तव्य आप इस तरीके से मान सकते हो कि जिस जगह वो काम कर रहा है उसके चारों तरफ जो सोसाइटी है वहीं से लोग आते हैं उसके पास काम करने के लिए, और उन्हीं को ग्राहक मान के अपना प्रोडक्ट बेचता भी है, तो ऐसे में उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि लाइफ स्टाइल उनकी अच्छी कर सके, अच्छे गुड्स दे के कम कीमत में दे सके। कम कीमत से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिजनेस अपना लॉस करे, एटलीस्ट इतने प्राइस पे दे कि उसको प्रॉफिट भी हो लेकिन जायज प्रॉफिट हो, ऐसा ना हो कि वो ब्लैकमेल कर रहा है सभी लोगों को। नेक्स्ट है समानता। एक मूल्य है जो इस बात पर जोर देता है कि एक उपक्रम में एक जैसा काम करने वाली स्त्री व पुरुष दोनों को समान पारिश्रमिक मिले। यहां पर यह भी क्लियर किया हुआ है कि अगर कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉई अगर काम कर रहा है किसी बिजनेस में, अब चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, उसके बेस पे उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना सैलरी के नाम पर या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के नाम पर। जो इनकम, जो सैलरी एक मेल पर्सन की होनी चाहिए, वही सैलरी फीमेल की भी होनी चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक मेल की होनी चाहिए, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज फीमेल की भी होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है, आज शहरी इलाकों में स्वास्थ्य एवं फिटनेस की प्रवृत्ति ने व्यायामशाला
जिम, मिनरल वाटर आदि की मांग में वृद्धि की है। तो अगर आप ये देखते हो, अगर आपका व्यवसाय ये नोटिस करता है कि समाज में हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं, तो आपका अगर प्रोडक्ट हेल्थ कॉन्शियस है तो आपकी सेल करने की ज्यादा चांसेस हैं। या फिर अगर आप कोई ऐसा फास्ट फूड बना रहे हो जिससे उनकी हेल्थ खराब हो सके, तो आपको ये बात समझनी है, क्योंकि समाज में अब चेंज आ चुका है हेल्थ को लेकर, तो आपको अपने प्रोडक्ट में भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे कोक पेप्सी ने किया है, उन्होंने भी अपने जो उनका जो फॉर्मूला है उन्होंने उसमें चेंजेस किए, और जो हानिकारक जो केमिकल थे उनको या तो हटा ही दिया है या तो बहुत कम किया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ये सब कुछ नहीं करेंगे तो उनकी सेल अल्टीमेटली कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें तकनीकी वातावरण टेक्नोलॉजी की, तो जैसे नाम ही टेक्नोलॉजी है तो इसी बात है, यहाँ पे मशीनरी की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी। तकनीकी वातावरण के अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं को पैदा करने व व्यवसाय को चलाने की नई विधियों के नव परिवर्तन अथवा खोज को सम्मिलित किया जाता है। शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो तकनीकी वातावरण आपको ये बताने की कोशिश करता है कि कोई भी बिजनेस अगर चल रहा है तो उसको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि उसके आसपास जो उसके जो कॉम्पिटिटर है, उसकी जो जिस कंट्री में वो काम कर रहा है वहां पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग उसको भी अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस करने चाहिए और अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना चाहिए। अगर हम बात करें तकनीकी वातावरण का व्यवसाय पर प्रभाव, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, बाजार में टेलीविजन आने से सिनेमा व रेडियो उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे देखो, टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो उसके सब्स्टिट्यूट जो थे उनको लॉस हुआ। बाजार में फोटोशेड मशीन आने से कार्बन पेपर व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो कार्बन का जो पेपर होता था तो आप उसके पीछे लगा देते थे और फिर लिखते थे तो दूसरे पेज पे प्रिंट हो जाया करता था। तो ऐसे में जब फोटोस्टेट की जो मशीन आई तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि कार्बन का जो पेपर था उसका यूज कम होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बाजार में बनावटी धागे से बने वस्त्र आने से सूती वस्त्र उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। ये आपको ऑलरेडी पता है कैसे क्यों हुआ। नेक्स्ट है, डिजिटल घड़ियों ने परंपरागत घड़ियों के व्यवसाय को लगभग समाप्त कर दिया है। तो टेक्नोलॉजी बेटा चेंज होगी तो उसके जो सब्स्टिट्यूट है उससे पहले जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब आगे अगर हम बात करें, वह हमारा सेकंड लास्ट जो कि है राजनीतिक वातावरण। राजनीतिक वातावरण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें बताया गया है कि राजनीतिक वातावरण के अंतर्गत राजनीतिक दशाओं जैसे देश में सामान्य स्थायित्व व शांति तथा सरकार के व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाता है। ये वाली लाइन बेटा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सीधा ये वाली लाइन लिख सकते हो, सरकार के व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। इसका व्यवसायिक समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसका व्यवसाय पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, अतः व्यवसायियों को इसे लगातार व ध्यानपूर्वक देखते रहना चाहिए। देखो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस को पूरी तरह से बैन कर सकती है कभी भी, और ये वाली बात हर एक व्यवसाय संगठन को समझना चाहिए कि टाइम टू टाइम जो राजनीतिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, राजनीतिक जो पॉलिसीज चेंज हो रही है, या किसी बिजनेस को लेकर उनका जो दृष्टिकोण, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है गवर्नमेंट का वो क्या रहेगा, इस पे अगर वो ध्यान देगी तो अपने होने वाले लॉसेस को या अपने होने वाले प्रॉफिट्स को वो इंक्रीज कर सकती है और लॉसेस को कम कर सकती है। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में आपको पता है कि यहाँ पर पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की, भी केमिस्ट की दुकान तो खुली रहेगी, परचून की दुकानें खुली रहेगी, तो ऐसे में इन लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी, क्योंकि सरकार का जो दृष्टिकोण है इनको लेकर वो बहुत अच्छा है। बाकी स्कूल्स कॉलेजेस बंद है लेकिन ये दो चीजें खुली हुई है, तो ऐसी कंडीशन में इनको बेनिफिट होगा और ये इस चीज का फायदा उठाने के लिए पूरी तरीके से सतर्क रहकर काम करेंगे। जैसे जो परचून की दुकान है वो अपने पास राशन ज्यादा मात्रा में मंगाएगा ताकि वो बेच सके, ग्राहकों को खाली ना भेजे।
जो केमिस्ट वाला है वो ज्यादा दवाइयों की सप्लाई करेगा ताकि वो पूर्ति कर सके। राजनीतिक वातावरण किसी भी बिजनेस को कभी भी बहुत अच्छा बूस्ट दे सकता है एक बार में। अगर हम बात करें आगे वैधानिक वातावरण की, तो वैधानिक वातावरण के अंतर्गत सरकार द्वारा पारित अधिनियमों, न्यायालयों के फैसलों तथा देश में केंद्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर नियुक्त आयोगों व एजेंसियों के निर्णय को सम्मिलित किया जाता है। इस व्यवस्था की आवश्यकता विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं जैसे क्रय विक्रय, औद्योगिक झगड़ों आदि को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए होता है। व्यावसायिक समुदाय वैधानिक ढांचे को अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवसाय के सभी व्यवहारों पर इसका सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, अतः व्यवसायियों को इस पर लगातार नजर रखनी चाहिए। तो जैसा अभी हमने राजनीतिक पढ़ा वैसा ही सेम वैधानिक है, लेकिन वैधानिक में थोड़ा सा चेंज क्या है कि वैधानिक में ऑलरेडी एक ऐसी एजेंसीज होती है जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की हुई है कि जाओ और आप चेक करो। जैसे आपने देखा होगा कई बार दिवाली के आसपास बहुत ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो नकली खोया बनाते हैं, नकली मिठाइयां बनाते हैं, तो वो लोग कौन पकड़ते हैं? वो एजेंसीज होती है जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है, तो इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। अगर अब हम आगे बात करें तो वो आ जाएगा आपका विमुद्रीकरण, जो कि हमें नहीं पढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, तो वो आ जाता है आपका आर्थिक सुधार 1991 से, अथवा नई आर्थिक नीति अथवा भारतीय आर्थिक वातावरण का बदला या बदलता स्वरूप। बेटा 1991 से पहले हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, 1991 के बाद हमारी आर्थिक स्थिति कुछ बेटर हुई है। लिखा गया है वो देखो, भारत सरकार ने जुलाई 1991 से देश को आर्थिक संघर्ष से उबारने तथा विकास की गति को तीव्र करने के लिए आर्थिक सुधारों का सिलसिला शुरू किया। आर्थिक सुधारों का केंद्र उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण रहा। इन तीनों शब्दों के अर्थ निम्न हैं। तो बेटा ये सारी चीजें जो हुई है वो हुई है कांग्रेस के टाइम पर, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब बुक झूठ तो नहीं बोलती। एज अ टीचर मैं फिर कहूंगा कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट कहीं कुछ गलत होता है तो वो वहां पे थोड़ी सी आवाज उठाना जरूरी है, तो वो मुझे आपको बताना था। बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप उनको फॉलो कर सकते हो, मेरी पर्सनली किसी से भी कोई लड़ाई नहीं है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूं, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी है अपनी अपनी जगह पे। पॉइंट आ जाता है उदारीकरण का। उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने हेतु नौकरशाही कंजे से मुक्ति दिलाना है। अब उदारीकरण से मेरा मतलब बेटा ये होता है कि यहाँ पर सरकार मोटिवेट करती है सभी लोगों को कि भैया आप भी बिजनेस करो, छोटा करो बट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके ऊपर अलग से जो टैक्सेस होते हैं वो हम आपको बर्डन नहीं देंगे, आपको जो भी बिजनेस करना है आप करो, हम यहाँ पे आपको छूट दे रहे हैं। जैसे दिवाली के टाइम पे लाइसेंस जिसके पास होता है वही पटाखे बेच सकता है, अगर उदारीकरण अगर उस टाइम पे चल जाए तो इसका मतलब यह है कि कोई भी पटाखे बेच सकता है, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में लीगैलिटी को पूरा नहीं करना उदारीकरण कहलाता है। तो पहला पॉइंट क्या है, अधिकतर उद्योगों में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। व्यावसायिक क्रियाओं के पैमाने का स्वतंत्र निर्धारण करना, कि व्यावसायिक क्रियाओं का जो पैमाना है, जो स्टैंडर्ड है, वो एकदम फ्री कर दिया, मतलब कोई भी निर्धारण जिसे हम कहते हैं कठोर स्टैंडर्ड देना, वो स्टैंडर्ड तय नहीं किए गए, बहुत ही सिंपल सिंपल से स्टैंडर्ड तय किए जो हर कोई पूरा कर सके। वस्तुओं और सेवाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है, तो टैक्सेशन हटा दिया। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता, आप मूल्य निर्धारण कुछ भी कर सकते हो, कोई किसी का सरकार का जोर नहीं होगा उसमें। कर दरों में कमी होगी, अगर आपको लोन लेना है तो ऐसे में जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो कम कर दिया गया, जो टैक्स है वो कम कर दिया गया। अर्थव्यवस्था पर लगे अनावश्यक नियंत्रण से मुक्ति दी गई। आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बना दिया गया, क्योंकि देखो आयात निर्यात एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको बहुत लीगैलिटी को बहुत फॉलो करना होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं आपको उनको फॉलो करना होता है, और इसी कंडीशंस में क्या हो जाता है कि कई जो छोटे व्यापारी होते हैं या
मिडिल लेवल पे होते हैं वो फिर साहस नहीं जुटा पाते निर्यात आयात करने का। तो यहाँ पे सरकार ने उनको एक बूस्ट दिया, एक पुश दिया कि आप ये काम करो, हम आपसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं मांग रहे। विदेशी पूंजी व तकनीक को आकर्षित करने को सरल बनाया। अब जैसे विदेश से कोई कंपनी आती है इन्वेस्ट करने के लिए, अब अगर हम उनको इतनी सारी चीजें उनके ऊपर टैक्सेशन ज्यादा लगा दें, हम उनको इतने सारे डॉक्यूमेंट लाने के लिए बोले, तो कोई भी कंपनी बाहर चली जाएगी, वो कहेगी कि भैया हमें आना ही नहीं आपके देश में। तो ऐसे में हमने क्या किया, उस प्रोसीजर को बहुत ही सरल बनाया, इससे उनको बेनिफिट हुआ, वो यहाँ पर बिजनेस करना उन्होंने शुरू किया। निजीकरण का मतलब क्या है? देखो बेटा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, निजीकरण कब होता है। अगर बिजनेस की अगर हम बात करें, कोई भी बिजनेस आप ले लो, कोई भी डिपार्टमेंट अगर आप ले लो, तो दो तरीके का होगा, या तो होगा वो प्राइवेट या तो होगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कब प्राइवेट कर देता है, वो तब करता है जब गवर्नमेंट उस पर प्रॉफिट नहीं कमा पाए, या फिर अगर उसको ये लगे कि अगर मैं इसको प्राइवेटाइजेशन कर दूं तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो पाएगा, या तो तब करे। लेकिन गवर्नमेंट के अंडर भी बहुत सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है, इससे बेनिफिट मिलता है, कम से कम श्योरिटी होती है जो वहां पे काम कर रहे हैं, जो वहां पे जॉब कर रहे हैं। अभी भी बहुत क्रेज है गवर्नमेंट जॉब का, आपको पता है, लेकिन अगर सब प्राइवेट हो जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। अगर ट्रेन अगर प्राइवेट हो जाए और ऐसे में किसी आतंकवादी को अगर बम रखना हो उस ट्रेन के अंदर, कुछ नहीं करना, जो उसका जो अधिकारी है उसको ज्यादा पैसा दे दो, ज्यादा पैसा दे दो और वो अलाउ कर देगा, जो करना कर लो जाओ। लेकिन अगर वही चीज गवर्नमेंट की हो जाए तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है उस डिपार्टमेंट में। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। निजीकरण की बात करेंगे, निजीकरण का अभिप्राय ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम को पूर्णतः या अंशतः निजी स्वामित्व में लाया जाता है। वह सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट है, आप उसको या तो पूरी तरीके से या तो आंशिक तरीके से आप उसको प्राइवेट बना देते हो। आगे पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें, व्यापक अर्थ में आप ये बोल सकते हो कि नए उपक्रम को सार्वजनिक क्षेत्र की बजाय निजी क्षेत्र में स्थापित करना भी निजीकरण कहलाता है। इतना ही नहीं बल्कि जिन वस्तुओं का उत्पादन पहले सार्वजनिक क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट करती थी, अब उसका उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र से हटा के निजीकरण को दे दिया या निजी क्षेत्र को दे दिया। ठीक है, अब इसके अंदर ये पढ़ लेना बेटा, अब मैं आपको आगे बता देता हूँ। वैश्वीकरण की बात करते हैं, ये लास्ट टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब बात आ जाती है वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। आप इसमें क्या करते हो, आप इंटरनेशनल लेवल तक चले जाते हो बिजनेस करने के लिए। तो आप बाकी विश्व के बिजनेसमैन को आप बोलते हो कि भैया आप यहाँ और यहाँ पे बिजनेस करो, पेप्सी कोका कोला। अब मुझे ये पता कि इसमें कौन सी स्वदेशी है कौन सा विदेशी है, आई थिंक दोनों ही विदेशी होगी। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सी देशी है कौन सी विदेशी, अगर दोनों ही विदेशी है तो वो भी बता देना। तो जिस जिस बच्चे को पता है वो मुझे कमेंट करके बताए। तो इसमें क्या होता है कि वैश्वीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ एकीकरण करने से है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप मोटिवेट करते हो बाकी देशों को हमारे साथ बिजनेस करने के लिए, या हमारे देश के व्यापारियों को मोटिवेट करते हो भाई बाहर के देशों में अपने बिजनेस को फैलाने में। इससे ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होती है, इनकम आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, प्रोडक्ट अलग अलग तरीके के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जो टेक्निक हमारे पास नहीं है वो अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, तो वहां से टेक्निक आने के पूरे चांस रहते हैं। और क्योंकि देखो टेक्निक कोई भी अगर आप डेवलप करते हो तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम बचाने के लिए क्योंकि दूसरी कंट्री उसको डेवलप कर चुकी है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट वो टेक्निक उनसे ले लें, रेदर देन कि हम उसमें टाइम लगाएं पैसा लगाएं उसके बाद वो टेक्निक हमें पता हमें मिलेगी, इससे अच्छा आप उसका आयात कर लो। तो ये होता है बेटा ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। तो हमारे कुछ उद्देश्य इसके साथ जुड़े हैं आर्थिक सुधारों के साथ। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर कोई सजेशन देना हो तो बेटा बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो बेटा डिसलाइक करके मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या कमी रह गई, हम कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूव करने की। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम्स आपके नजदीक हैं।